एक ऐसा देश जहां ट्रेन पटरी से एक इंच हवा में ऊपर दौड़ती है। एक ऐसा देश जहां तरबूज को स्क्वायर शेप में उगाया जाता है। एक ऐसा देश जहां ट्रेन में यात्रियों को घुसाने के लिए रेलवे के कर्मचारी उन्हें धक्का मारकर घुसाते हैं। एक ऐसा देश जहां लोगों के पास काम के बाद सेक्स के लिए समय ही नहीं बचता। अब ऐसा क्यों, ये जानने के लिए कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। दोस्तों, आज हम जानेंगे जापान देश के कुछ बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स और अजीब रीति रिवाजों के बारे में। दोस्तों, जापान के लोगों की ईमानदारी इसी बात से लगाई जा सकती है कि अगर आप अपना पर्स जापान में कहीं पर भूल जाएं, तो 80% चांस है कि वो पर्स एक घंटे बाद भी वहीं पर मिलेगा जहाँ पर आपने खोया था। क्या आपको पता है कि जापान में बच्चे जब तक 10 साल के नहीं होते तब तक उनको स्कूल में कोई भी एग्जाम नहीं देना पड़ता। इन सालों में उन्हें संस्कार, किताबी ज्ञान और सफाई के गुण सिखाए जाते हैं, इसीलिए उनके अंदर इतनी ईमानदारी रहती है। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि इंडियन पीपल में इतनी ईमानदारी होती है या नहीं। जापान में लगभग 5 लाख वेंडिंग मशीन्स हैं। वेंडिंग मशीन्स वो मशीन होती हैं जहाँ मशीन में पैसे डालकर जनरल स्टोर का सामान ले सकते हैं। अगर आपको कोई साबुन खरीदना है तो मशीन में पैसे डालिए और साबुन ले जाइए। जापान टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया में सबसे आगे है। यहाँ पर आपको आधुनिक चीज़ों का भंडार मिलेगा। जापान में कुछ बुलेट ट्रेन्स ऐसी हैं जो चुंबकत्व के कारण पटरी से 1 या 2 इंच हवा में उठकर चलती हैं। या फिर ये कहें कि जापान की ट्रेन्स हवा में उड़ती हैं तो गलत नहीं होगा। जापान के लोग सुसाइड करने में पहले नंबर पर आते हैं। यहाँ पर युहिग्रा और मिहिरा पर्वत नाम की जगह है जहाँ पर लोग कूदकर जान दे देते हैं। और जान देने का रीज़न यहाँ की बिजी और स्ट्रेसफुल लाइफ होती है, क्योंकि जापान में टाइम किसी के पास होता ही नहीं है। अगर आप जापान की किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं और ड्यूटी 9 बजे की है तो आपको 8:45 पर काम पर पहुँचना ही होगा। अगर आप 9 बजे पहुँचते हैं तो आपको घर वापस भेज दिया जाता है, भले ही आप राइट टाइम क्यों ना हो। अगर आप जापान की किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपको कोई काम दिया गया है जो 5 घंटे में पूरा करना है, और यदि आप स्मार्ट दिमाग लगाकर उस काम को 2 या 3 घंटे में कर देते हैं तो बाकी बचे हुए घंटों में टॉयलेट या बाथरूम की सफाई करनी पड़ेगी या फिर किसी और गंदगी को साफ करना पड़ेगा। यहाँ पर छुट्टी होने पर आप अकेले घर पर नहीं जा सकते। जब तक सारे कर्मचारी साथ नहीं निकले तब तक आपको घर नहीं जाना है। जापान के किसी भी स्कूल या कॉलेज में सफाई के लिए कोई चपरासी या सफाई कर्मचारी नहीं होता। यहाँ बच्चों और टीचरों को मिलकर ही कॉलेज की सफाई करनी होती है, जिसकी वजह से यहाँ गंदगी बिल्कुल नहीं मिलती। जापान की राजधानी तो सभी को पता है कि टोक्यो है, पर क्या आप जानते हैं कि टोक्यो दुनिया में सबसे महंगे शहरों में से एक है। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा भूकंप केवल जापान में आते हैं, जो लगभग 1 वर्ष में 1500 के करीब होते हैं, यानी कि दिन में 3 से 4 भूकंप। अब सोचिए, इतना कुछ झेलने के बाद भी जापान दुनिया की US और चीन के बाद 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी है। जापान दुनिया का पहला देश है जो मुसलमानों को नागरिकता नहीं देता। और तो और, जापान में मुसलमानों को किराए पर घर तक नहीं दिया जाता। साथ ही यहाँ पर अरबी और इस्लामिक भाषा पढ़ाने पर भी प्रतिबंध है। जापान में सबसे ज़्यादा लोग साक्षर होते हैं। यहाँ की साक्षरता दर 99.99% है। जापान में टाइम को लेकर बहुत पाबंदी है। यहाँ पर कोई ट्रेन अगर 30 सेकंड भी लेट हो जाए तो कल के न्यूज़पेपर में हेडलाइन छप जाती है कि फलानी ट्रेन 30 सेकंड लेट हो गई। जापान के लोग तरबूज को स्क्वायर शेप में उगाते हैं। इसके पीछे रीज़न यह है कि इसे रखने में आसानी होती है, और तो और ये बहुत महंगे भी होते हैं। जापान में एक फुंगू नाम की मछली पाई जाती है। इस मछली को दुनिया की सबसे जहरीली मछली माना जाता है। इसका जहर साइनाइड से 1200 गुना ज़्यादा खतरनाक होता है। जापान के लोगों के 90% मोबाइल वाटरप्रूफ होते हैं। दोस्तों, जापान के लोगों के पास काम के बाद सेक्स के लिए समय ही नहीं बचता, कारण वो इतना थक जाते हैं कि सेक्स करना पसंद ही नहीं करते। जापान में बच्चे भी कई लोगों की सेक्स लाइफ का कारण होते हैं। इन कपल्स के पास काम और बच्चों के बाद सेक्स के लिए वक्त ही नहीं बचता। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन और सोशल सिक्योरिटी रिसर्च का एक सर्वे में यह भी दावा है कि जापान में वर्जिन लोगों की भी काफ़ी आबादी है। अगर लोग इसी तरह से सेक्सलेस लाइफ जीते रहे तो जापान की जनसंख्या 127 मिलियन से गिरकर 86 मिलियन रह जाएगी। तो दोस्तों, ये थे जापान के बारे में कुछ बहुत ही रोचक और अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।